हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और आज हमारी गेस्ट हैं टीना नंदी। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। सो मिस टीना, आपका दिल से स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच, दर्शकों को मेरा प्रणाम सबको। सो टीना, हमारे शो का रूल है यू हैव टू बी वेरी रॉ, वेरी रियल। आप कोई भी चीज में फिल्टर नहीं लगा सकती और झूठ नहीं बोल सकती। आप रेडी हैं? ठीक है। सो मिस टीना, मुझे बताइए, जब पहली बार आपने डिसाइड किया कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है, तो आपने कैसे डिसाइड किया, किस एज में किया, क्योंकि आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, राइट? यस। सो कैसी रही आपकी जर्नी और आज आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुंची अपनी जर्नी में? मैम, मेरा बैकग्राउंड एकदम अलग है। आई वॉज ए टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे मैं 3 साल जॉब किया। आफ्टर माई फादर्स डेथ मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ माई मदर टेक केयर। फिर मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लिया, 7 साल मैंने वहाँ पे सर्विस की। 6 साल करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी क्रिएटिविटी इसके लिए नहीं है। तो मैं बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, तो कभी गॉडफादर कभी थे नहीं कोई, तो कहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँ सच में कुछ पता नहीं था। तो मैंने 1-2 फोटोशूट से अपनी जर्नी स्टार्ट किया, पर सोशल मीडिया के थ्रू में धीरे धीरे मेरे जो प्रोग्रेस होता है वो धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर मैं कोलकाता में आई, फिर ऑफिस करके असम कोलकाता अप डाउन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने खुद को समय देने के लिए मैंने सोचा कि मैं 6 महीना जॉब को एक्सटेंड इंजीनियर सर से बात करके मैंने उसको स्टॉप किया। तो मैंने बोला सर मुझे सैलरी नहीं चाहिए, पर मुझे आप एक मौका दीजिए, मैं कोशिश करके देखती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो कोशिश रंग लाई। लाइफ का सबसे बड़ा जुआ होता है कि मेरा 50 में रिटायरमेंट होने वाली थी, तो मैंने एक बार ट्राई किया कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ यार नहीं होगा फिर मैं बैक टू पेविलियन और फिर जाके ज्वाइन कर लूँगी। तो वो चीज़ आई नहीं कभी। तब से मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत हार्डवर्किंग करते 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 कैसे आया, लोग कैसे जुड़े, क्या कहाँ से कहाँ आई हूँ। अभी भी अगर बैकग्राउंड चेक करूँ या सोचूँ तो मुझे अभी भी शायद सच में कोई पता नहीं है। यस। सो टीना, मुझे बताइए, जैसे मैं गूगल पे आपकी बहुत सारी फोटोज देखती हूँ जो बहुत बोल्ड है। अभी आपसे मिलने के पहले मैंने आपकी फोटोज देखी और एकदम स्मैशिंग, खतरनाक सी। तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं, वो किस टाइप का शूट है और आपने किस लिए किया है? मैम, एक्चुअली आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट। ओह लवली। तो मैं न्यूड पेंटिंग्स को लेके मैं खुद बनाती थी। ऑयल पेंटिंग के ऊपर मेरा बहुत तजुर्बा था, क्योंकि मैं बच्चों को सिखाती थी, 6th to 10th class पढ़ाती थी। तो मुझे बोल्ड कॉन्सेप्ट पकड़ने में या फाइन आर्ट के जो होते हैं वर्कशॉप्स करने में, मुझे अभी भी याद है 10-12 लोग थे फर्स्ट में कोलकाता में एक वर्कशॉप में। मैं जब खुद मुझे बोला कि बिकिनी से तुम न्यूड में आओ, मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हुई कि इतने लोगों के सामने मैं कैसे खुद को प्रेजेंट करूं। लेकिन उस दिन एक चीज़ मैंने खुद को रियलाइजेशन दिया, आज अगर नहीं कर पाई तो मैं कभी भी ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कैमरा हमेशा मैं ये सोचती हूँ मेरे सामने कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं अपने आप को 100% देती हूँ ये सोच के भाई मेरे सामने कोई नहीं है। अगर वो सोचूंगी तो मैं खुल के अपना प्रतिभा को सामने नहीं दिखा पाऊंगी। तो वो चीज़ दिमाग में रह के day 1 में मैं फाइन आर्ट के प्रोजेक्ट को मैंने स्टार्ट किया। तब से मैं धीरे धीरे बोल्ड कॉन्सेप्ट पे ही काम करने लगी, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का सोच है कि बोल्ड करने वाली इंसान का एज ए कैमरा में जो जज होती है वो रियल लाइफ में भी है। लेकिन ये एकदम डिफरेंस है, जो मुझसे मिलते हैं, जो मेरे साथ बात करते हैं, शायद आपके साथ भी मेरा पहला इंट्रोडक्शन है, तो एकदम मैं एकदम ऑपोजिट हूँ। करेक्ट, ये फैक्ट है दोस्तों। जब मैं पहले टीना को मिली, जो कि 4 या 5 दिन पहले, तो मेरे दिमाग में टीना को लेकर एक अलग किस्म की इमेज थी। पर जब मैंने उसे मिली, मैंने रियलाइज किया कि बंदी बिल्कुल डिफरेंट है। इन रियल शी समवन एल्स, और ऑन स्क्रीन ये बहुत अलग है। ना किसी के पछड़ों में पड़ती है, ना किसी के बारे में कुछ बोलती है, वेरी सॉफ्ट स्पोकन सी, प्यारी सी, क्यूट सी लड़की है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जब आपने पहली बार फ्लिस के लिए सीरीज की, तो हाउ दे हैव अप्रोच यू, आपके ऑपोजिट में कैसा था, और उसमें जो आपने खतरनाक वाले स्टीमी सीन्स दिए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फ्लीज के लिए मैंने फर्स्ट काम किया था, पर वो ना फ्लीज का ना रिलीज होने में बहुत टाइम लगता है। मुझे याद है मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जवानी जाने मन करके थ्रीसम का कुछ कॉन्सेप्ट था, तब तो नॉन बोल्ड चलता था। सो
वो चीज मैं शूट करने के बाद मैं आसाम चली गई। मैं नॉर्मली ऑफिस वर्क जो मेरा 10 to 5 का होता है वो रिलीज होने के बाद सच बोलो आज कैमरा के सामने बोल रही हूँ व्हाट इज ऐप आई डोंट नो ऐप क्या है मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बहुत छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ सिर्फ बोला गया कि ये ऐप मतलब लोग सब्सक्राइब करके देखते हैं तो मैंने बोला भाई मुझे कौन जानता है 100 लोग 200 लोग 500 मिनिमम 500 इससे ज्यादा तो मुझे कोई नहीं जानेगा क्योंकि मैंने कभी काम किया नहीं तो लोग कैसे देखेंगे। लेकिन इसका प्राइवेसी भी निकलते हैं नेट की दुनिया में धीरे 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 आगे बढ़ते हैं तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऐसा चीज भी होती है एकदम मैं दिल से ये चीज कैमरा के सामने बोल रही हूँ मुझे सच में पता नहीं था ऐप क्या होती है क्योंकि मैं इंडस्ट्री से कुछ भी मेरा लेना देना तो नहीं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कौन से आपके ऑपोजिट हीरो? वो कोलकाता से थे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन हाँ फ्लीस की अप्रोच एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू में आई थी कि बोल सो जो आपने उसमें मेकआउट सीन्स दिए वो पहली बार आप कर रही थी शायद। हाँ, तो कैसा मुझे बोला गया था बिकिनी में होगा तो ऐसे करके मुझे कॉन्सेप्ट समझा दिया क्योंकि मेरा आइडिया था एक होती है कुछ कुछ चीज़ ब्लड में होनी चाहिए तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि कैमरा में लुक वाइज कैसे फेस करने से कैसा चीज आएगी एक्सप्रेशंस वाइज मैं वो चीज़ को मतलब खुद फील करके करती थी मतलब नॉट रियल रियल ताकि दर्शकों को अच्छा लगे कि हाँ एक सीन दे रही वो रियल दिखे वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ खुद को रियल दिखाने की। ना बीच में टोकर मुझे मतलब कि फेवरेट पोजीशन क्या है जब आप मेकअप सीन्स कर रही होती हैं तो एक तो मिशनरी है वो नॉर्मल सीन है लेकिन उसमें भी कुछ क्रिएटिविटी करना पसंद है और एक डॉगी पोज